जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिव्यू टैब के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको मेलिंग टैब के बारे में बताया था और आज की क्लास में आपको रिव्यू टैब के बारे में समझना। देखिए, रिव्यू टैब में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इस पूरी ऑप्शंस के बारे में एक एक करके पढ़ना। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन आपका दिया है, ये है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर, और इसकी शॉर्टकट की होता है आपका F7। ये फंक्शन की पढ़ाते समय मैंने आपको F7 के बारे में बताया था। अगर इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर अगर हम गलत कर देते हैं तो उसी को अगर हमको सुधार करना हो तो इसके लिए हमको स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन पे आने की जरूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी रेड लाइन का सिंबल आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये लिखा हुआ वर्ड आपका क्या है, गलत, इसका स्पेलिंग गलत है। और इसी को अगर आपको सुधार करना है तो आपको या तो आप F7 बटन दबाइएगा या आप स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन पे चले जाइए। जैसे ही आप F7 बटन दबाएंगे तो यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। देखिए, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करते जाना है। देखिए, ये स्पेलिंग को सही करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। देखिए, समझ में आ रहा है ना? और लास्ट में ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अगर इस तरीके से आपने कोई गलती किया है, और अक्सर टाइपिंग करते समय अक्सर ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि आप कुछ स्पेलिंग एंड ग्रामर अगर आप गलत कर देते हैं तो उसी को सुधार करने के लिए शासन का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अब चलिए, अगला जो पॉइंट आपका दिया है थेजर, अब इसका क्या प्रयोग है? तो जैसे कि अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसका शॉर्टकट की होता है Shift+F7। अगर इसका प्रयोग आप करेंगे तो आपके सामने ऐसे सर्च का ऑप्शन आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कंप्यूटर, और कंप्यूटर से जो सिमिलर वर्ड होगा वो आपके सामने यहाँ पे सर्च करके दिखाएगा। देखिए, जितना भी वर्ड आपके सामने आया हुआ है ये सब कंप्यूटर से मतलब कि रिलेटेड है। जैसे कि आपका प्रोसेसर दिया है, सीपीयू दिया है, मेन फ्रेम दिया है, सुपर दिया है, ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड है। अगर हम यहाँ पे कंप्यूटर को हटा के यहाँ पे लैपटॉप रख दें तो यहाँ पे लैपटॉप के बारे में यहाँ पे सर्च करके बताएगा। देखिए, अब लैपटॉप भी इसी से संबंधित है, ये सब इसके बारे में बता रहा है। और यहाँ पे लिख दीजिए मेमोरी, तो मेमोरी से संबंधित यहाँ पे बताएगा। देखिए, ये सारा इसमें ऑप्शन आपका दे रखा है, मतलब कि शब्द से संबंधित ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। देखिए, तो ये आपका थेजर ऑप्शन होता है। अगला जो पॉइंट आपका दिया है वर्ड काउंट, अब ये क्या है? तो जैसे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल वर्ड आपने इस पेज पे कितना लिखा हुआ है, या टोटल लाइन आपने कितना लिखा हुआ है, या टोटल पैराग्राफ आपने कितना लिखा हुआ है, तो इसको काउंट करने के लिए बस आपको वर्ड काउंट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे ही वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि पेजों की संख्या आपने कितना लिया है, दो पेज आपने लिया हुआ है और वर्ड आपने 239 लिखा हुआ है, और कैरेक्टर नो स्पेस, अगर हम स्पेस को छोड़ करके कैरेक्टर को काउंट करें तो 1063 आपने कैरेक्टर लिखा हुआ है, और अगर हम स्पेस को लेकर के काउंट करें तो 1297 आपने कैरेक्टर लिखा हुआ है, और प्लस लाइनों की संख्या टोटल कितना है और पूरे पैराग्राफ की संख्या आपका 5 है। समझ में आ रहा है ना? और भी अगर आप यहाँ से पढ़ाते हैं, जैसे कि इसी डेटा को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, अब कंट्रोल ए से सिलेक्शन करके वर्ड काउंट ऑप्शन पे चले जाइए। अब यहाँ पे देखिए चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, अब पेजों की संख्या बता रहा है कितना, 8 पेज बता रहा है। बस इसी को काउंट करके ये बताता है, देखिए आपने कितना वर्ड लिया है, कितना कैरेक्टर आपने लिया है, कितना आपने पैराग्राफ लिया है, कितना आपने लाइन लिया है, ये सब यहाँ पे इंक्लूड करके आपको दिखाता है। अब चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका रीड अलाउड, इसका प्रयोग क्या है? तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे अगर आप कर्सर रखते हैं तो इसी को ये रीड करना स्टार्ट कर देगा। देखिए, पढ़ना स्टार्ट कर देगा। जितना डेटा हम सिलेक्शन करेंगे उतना ये पढ़ना स्टार्ट करेगा। देखिए, समझ में आ रहा है? बस इसका एक प्रयोग,
इसको पूरा जूम करके आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे चेक एबिलिटी पे आइएगा और यहाँ पे एक फोकस का ऑप्शन मिलेगा, इसी पे क्लिक करके इसको पूरा जूम करके आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक और भी ऑप्शन आपका दिया है नेविगेशन पेन, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि किसी वर्ड को अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ से उस वर्ड को आप सर्च भी कर पाएंगे। देखिए बस यहाँ पे क्लिक करिएगा और इस वर्ड को आप टाइप करिए जिसको कि आपको फाइंड करना है, ये वर्ड जहां जहां लिखा होगा हाईलाइट करके आपको दिखा देगा। पेज भी आप देखना चाहते हैं तो पेज भी आपका दिखा देगा कि टोटल पेजों की संख्या आपने कैसे लिया हुआ, ठीक है ना। अगर आप रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आपको दिखा देगा कि आपने क्या क्या सर्च किया। अब चलिए इसके बाद से ऑप्शन आपका दिया है ट्रांसलेट, तो ट्रांसलेट का मतलब जैसे कि मान के चलिए आप यहाँ पे जो 5 पैराग्राफ यहाँ पे टाइप करते हैं उस पैराग्राफ को हिंदी में हम कैसे लिखेंगे, उसका हिंदी क्या बन क्या है, समझ में आ रहा है ना। तो अगर इसी पैराग्राफ को अगर आपको हिंदी लेना है तो ये जरूरी कि पहले आपके सिस्टम में नेट होना चाहिए और यहाँ पे आइएगा ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको लेना है ट्रांसलेट सिलेक्शन। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन अभी आपके सामने आएगा, देखिए ये ट्रांसलेट करके आपको दिखाएगा। देखिए यहाँ पे हिंदी आ गया, आप यहां से आप इसको इंसर्ट कर दीजिए यहां से। समझ में आ रहा है ना, जो भी पैराग्राफ आप लिखते हैं उसी का ये हिंदी बता देता है, यही आपका ट्रांसलेट वाला ऑप्शन होता है। और भी इसमें लैंग्वेज आपका दिया हुआ है, अगर आप हिंदी लैंग्वेज से भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हिंदी को हटा के इसमें और भी आप लैंग्वेज ले सकते हैं, जैसे इसमें गुजराती भी आपका दिया हुआ है। देखिए गुजराती ऐसे कुछ दिखाएगा, गुजराती लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जैसे कि इसको हमको ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले डेटा को क्या करिएगा, सिलेक्शन करिएगा और सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइएगा ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, अगर आप इस पे भी क्लिक करेंगे तो इसका हिंदी अभी बता देगा आपको। देखिए बस यहाँ पे लैंग्वेज आपको चेंज करना, यहाँ पे आप आइएगा सबसे पहले सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले कहाँ पे रिव्यू टैब में आना है और यहाँ पे आपको लेना है ट्रांसलेट वाला ऑप्शन और ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना, यहाँ पे लैंग्वेज को आपको चेंज करके आपको इसमें हिंदी भी दिखा देगा। देखिए अच्छा हिंदी टू इंग्लिश हुआ इसलिए हो रहा था, इसको पहले इंग्लिश टू हिंदी करना पड़ेगा तब होगा। सारा लैंग्वेज आपका दिया है, गुजराती इटालियन सब दिया हुआ है। इसमें लैंग्वेज चेंज नहीं हुआ इसके वजह से, सेकंड वाले ऑप्शन पर ही लैंग्वेज है। जान के सर जाते हैं इतनी पहले सब लिख लेते हैं उसके बाद इंग्लिश में चेंज कर देते हैं तो भी हो जाएगा, तो भी हो जाएगा, यहाँ पे बता तो रहा है। मेन इसका वर्क यही है ट्रांसलेट करना, पर ये ध्यान दीजिएगा ये तभी काम करेगा जब आपके सिस्टम में नेट रहेगा, बिना नेट का ये काम नहीं करेगा। और चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया है लैंग्वेजेस, तो ये जो कंप्यूटर है आपको मैंने इसके पहले भी बताया है कि कंप्यूटर यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज को ही समझ पाता है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही समझ पाता है। जैसे कि आप सिलेक्शन करिएगा और सिलेक्शन करने के बाद आप आइएगा सबसे पहले लैंग्वेज वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन इसमें आपको मिलेगा,
एक आपका दिया है सेट प्रूफिंग लैंग्वेज और एक आपका दिया हुआ है लैंग्वेज प्रिफरेंस। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि इसमें कौन सा लैंग्वेज आपने लिया हुआ। क्या लिया हुआ? इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, मतलब कि इंग्लिश इंडिया को ये नहीं समझ पाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर है कहाँ का? अमेरिका का। ये सॉफ्टवेयर भी अमेरिका का है, तो अमेरिका सॉफ्टवेयर में जो है ये यूनाइटेड स्टेट ही समझ पाते हैं, इसलिए यहाँ पे लैंग्वेज को क्या किया है, चेंज किया। इसमें और भी ऑप्शन आपका दिया है, लैंग्वेज प्रेफरेंस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताएगा कि इसमें कौन कौन सा लैंग्वेज आपने लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट दिया है और आपका हिंदी भी दिया हुआ है, यही दो लैंग्वेज इसमें दिया गया। और भी क्या ऑप्शन दिया है, कमेंट वाला ऑप्शन मैंने आपको पढ़ाया था, इंसर्ट मेनू के अंतर्गत मैंने आपको कमेंट ऑप्शन के बारे में पढ़ाया था, वही कमेंट वाला ऑप्शन आपका इसमें भी दिया, रिव्यू टाइप में भी दिया। जैसे कि अगर आप किसी डेटा को आप सिलेक्शन करते हैं और उससे संबंधित आपको कमेंट देना है तो बस कमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते जाइए। ये कमेंट आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, जो भी कमेंट आपको देना। कमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं टिप्पणी। जैसे कि स्मार्ट ग्राफिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इससे संबंध में जो भी आपको टाइप करना है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, कमेंट में आप दे सकते हैं। और यहाँ पे एक और भी ऑप्शन आपका दिया है, देखिए यहाँ पे डिलीट भी दिया है, प्रीवियस भी दिया है। अब इसका प्रयोग क्या होगा, तो इसमें और भी पैराग्राफ में आप सिलेक्शन करके और आप इसमें कमेंट आप ऐड कर दीजिए और तब जा करके इसका पूरा प्रैक्टिकल करके आप देखिएगा। देखिए अगर आपको बैक पे आना है तो इसके लिए प्रीवियस ऑप्शन का प्रयोग करना है, आगे वाले कमेंट पे जाना है तो नेक्स्ट का प्रयोग करना है। तो यहां से हमको बैक पे जाना है तो क्या करेंगे, बस यहीं पे प्रीवियस ऑप्शन पे क्लिक करते जाएंगे। देखिए अगर कमेंट को डिलीट करना है तो मैंने आपको एमएस वर्ड के मतलब इंसर्ट टैब में मैंने आपको बताया था, इसी पे माउस का राइट बटन दबाने के बाद और यहां से हम डिलीट कर पाते थे, लेकिन यही कमेंट अगर हमको डिलीट करना है तो हम डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हैं। देखिए इतना सारा ऑप्शन आपका दिया है, आप यहां से एक तो सिंगल भी यहां पे दिया हुआ है, अगर आप पूरे डेटा को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं पूरे कमेंट को तो डिलीट ऑल कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा एक साथ डिलीट हो जाएगा। तो इसी से ये संबंधित ऑप्शन आपका दिया हुआ है, एक एक करके प्रैक्टिकल आपको करके चेक कर लीजिएगा। और नेक्स्ट का मतलब अगर हम बैक वाले पे हैं और हमको आगे वाले कमेंट पे आना है तो नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे यहाँ से, और ये कमेंट आपका शो हो रहा है इसलिए शो कमेंट हाईलाइटेड नहीं है, बस यही सारा ऑप्शन आपका दिया है। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका क्या है, ट्रैक चेंजेस, इसका प्रयोग क्या होगा। तो जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ डेटा बना करके आप चले जाते हैं और कुछ स्टूडेंट आकर के वो डेटा डिलीट करता है, तो आपके पेज पे हुए कोई भी चेंजेस हैं आप उसको आसानी तरीके से ट्रैक कर पाते हैं, वो भी ट्रैक चेंज आप इनेबल कर देते हैं। तो अभी तो मान के चलिए अगर हम यहाँ पे डिलीट करेंगे तो कुछ ऑप्शन यहाँ पे समझ में आएगा कि क्या डिलीट किया गया है। अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से सबसे पहले एक नया पैराग्राफ हम ले लेते हैं और यहाँ पे कुछ पैराग्राफ आप इंसर्ट करने के बाद आप कुछ मत करिएगा, बस कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे ट्रैक चेंज पे बस इनेबल कर लीजिएगा। इनेबल दिख रहा है ट्रैक चेंज, इसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। अब सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे फाइल पे आइएगा और यहाँ पे सेव पे आइए और इसको किसी नाम से आप सेव कर दीजिए, जैसे कि ब्राउज पे हम चले आते हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं लोकेशन आप देकर के सेव कर दीजिएगा। लोकेशन में मैंने डेस्कटॉप ले लिया, एमएस वर्ड डाटा, मान के चलिए कि आपने बना करके क्या कर दिया, सेव करके आप चले गए लैब से बाहर हो गए, फिर मान के चलिए कि कोई स्टूडेंट आया और उस डेटा को ओपन किया, कोई स्टूडेंट आया और उस डेटा को ओपन किया देखिए मान के चलिए कि कोई स्टूडेंट आया और उस डेटा को ओपन किया जहां पे आपने सेव किया था, मैंने कहां सेव किया था, सेव हुआ होगा,
यही आपका डेटा था ना, आपने सेव करके चला गया। मान के चलिए कि कोई स्टूडेंट आया और आपका डेटा ओपन कर लिया, अब सोचा कि बहुत अच्छा डेटा बनाया सिलेक्शन करके, क्यों ना हम इसको डिलीट कर दें। कुछ ऑप्शन यहाँ पे मिल गया, इसमें क्या इंडिकेट कर रहा कि इतने सारे लेटर को या तो इतने सारे सेंटेंस को डिलीट करने का प्रयास किया गया। फिर वो सोचेगा कि ऐसे सिलेक्शन करके और इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो भी कमेंट ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप आसानी तरीके से ये ट्रैक करके देख पाएंगे कि हमारे पेज पे क्या क्या चेंजेस किया गया। या फिर वो सिलेक्शन करेगा और सोचेगा अंडरलाइन करना तो भी उसको कमेंट ऑप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो ये सबसे पहले रिव्यू टाइम में जाकर के जरूर चेक करेगा कि यहाँ पे ट्रैक चेंज इनेबल है। तो इनेबल होगा तो वैसे ही कोई पेज पे चेंजेस नहीं करेगा। बोलिए। तो यहाँ पे सिंपल तरीका है कि अगर आप इसको शो नहीं कराना चाहते तो आप ट्रैक चेंज को आप यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पे लॉक द ट्रैकिंग भी दिया हुआ है, बस आप इसको यहाँ से लॉक करिए। यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, लेकिन पासवर्ड वही डालिएगा कि पासवर्ड बाद में आप रिकवर कर सके, बस ये पासवर्ड वही रखिएगा। आप यहाँ से आप ओके करिएगा। अब देखिए इनेबल दिख रहा है, बोलिए। अब कोई भी परिवर्तन करेगा इस पेज पे, ये डायरेक्टली इसी पेज पे आ जाएगा, इसी कमेंट में आ जाएगा, और उसको हाईलाइट भी नहीं दिखेगा और वो ये भी नहीं समझ पाएगा कि इस पर ट्रैक चेंज लगा है कि नहीं लगा, और कोई भी चेंजेस करके वो चला जाएगा यहाँ से। जो भी चेंजेस करेगा सब पेज पे आपको दिखाने लगेगा। फिर मान के चले कि आप इस पेज को ओपन करते हैं आते हैं, तो फिर मान के चले वो फाइल पे गया और यहाँ पे सेव करके चला गया। फिर मान के चले कि सेकेंड डे आप एंट्री किए और आपने ओपन किया, अब सोचे कि इसको थोड़ा सा हम इसको हटाएं, तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा कि नहीं मांगेगा। तो यहाँ पे जो भी पासवर्ड आपने दिया, पासवर्ड आप ओपन कर दीजिए। आप ओके करेंगे तब जाकर के ऑप्शन आपका इनेबल होगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपका दिया, सिंपल मार्कअप, आल मार्कअप, नो मार्कअप, ओरिजिनल। अब जैसे कि मान के चलिए वो ये जानना चाहेगा कि हमारा ओरिजिनल डेटा कैसे था, वैसे देखिएगा तभी तो ये पता चलेगा कि क्या क्या चेंजेस किया गया है। तो यहाँ पे बस वो करेगा क्या, ओरिजिनल वाले ऑप्शन पे बस क्लिक करेगा तो ये दिखा देगा कि आपका पेज पहले कैसे था, ऐसे ही तो पेज था। अब अगर हम वो सिंपल मार्कअप देखना चाहता है तो यहाँ पे क्लिक करके वो सिंपल मार्कअप भी देख सकता है कि सिंपल में देख सकता है कि क्या क्या चेंजेस किया हुआ। देखिए इसमें पूरा डीपली नहीं बता रहा कि आपके पेज पे क्या क्या चेंजेस हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत ऑप्शन जरूर बता रहा है। और फिर यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये सोचेगा कि यहाँ से सारा मार्कअप हटा दिया जाए, तो यहाँ पे ले लीजिएगा नो मार्कअप, नो मार्कअप, कोई भी मार्कअप आपको नहीं दिखाएगा। परिवर्तन सब दिखाएगा लेकिन मार्क करके कुछ नहीं दिखा पाएगा। और वही अगर पूरे मार्क को चेक करना चाहता है तो यहाँ पे आल मार्कअप को ले सकता है, पूरे मार्कअप को चेक करके दिखा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए, और यहीं पे एक ऑप्शन आपका दिया है सो मार्कअप। क्या दिया? सो मार्कअप। अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। इसमें पहला ऑप्शन दिया है कमेंट, जो अभी आपको कमेंट दिखाया जा रहा है। इसके बाद से आपका दिया इंसर्शन एंड डिलीशन, जो भी आपका डिलीट किया है वो भी दिखा रहा है आपका। और तीसरा ऑप्शन दिया फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है, जैसे देखिए अगर हम इसको सिलेक्शन करके अगर हम कंट्रोल भी करेंगे तो क्या इसकी फॉर्मेटिंग नहीं हो सकती है? तो ये हमारे फॉर्मेट वाले ऑप्शन में आएगा। तो ये सारा ऑप्शन आपको दिखाएगा सो मार्कअप वाले ऑप्शन में कि आपके पेज पे क्या क्या चेंजेस किया गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा बैलून्स। अगर आप बैलून्स पे क्लिक करेंगे तो आप इसके इंटरफेस को चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया है, सो रिवीजन इन बैलून्स, और सेकंड ऑप्शन सो आल रिवीजन इन लाइन, और थर्ड ऑप्शन है सो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग इन बैलून्स। अगर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इंटरफेस कुछ ऐसे आपको दिखने लगेगा। देखिए चेंजिंग हुआ है। और फिर अगर आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद अगर आप बैलून्स पे अगर आप सेकंड वाले ऑप्शन लेते हैं तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा। देखिए इसमें कमेंट ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। अगर ये क्रॉप किया हुआ है, अगर ये बीच से डिवाइड किया गया है, तो आप ये समझिए कि उसको डिलीट करने का प्रयास किया गया, क्योंकि मैंने आपको स्ट्राइक थ्रू के बारे में बताया था। यदि कोई लिखा हुआ सेंटेंस अगर गलत हो जाता है तो भी बीच से डिवाइड कर दिया जाता है, या कोई स्टाइल अगर आपको लगाना होता है तो भी स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग करना होता है। तो ये आपको ऑप्शन ये बता रहा है कि ये डिलीट करने का प्रयास किया गया। और देखिए कमेंट्स के सेक्शन में बता भी रहा है
कि 22 मई को 7:35 इतना सेंटेंस डिलीट करना है, मतलब कि डिलीट किया गया, ये आपको कमेंट सेक्शन में दिखा रहा। लेकिन वही अगर आप यहाँ पे आएंगे तो क्या बताएगा, क्या बता रहा, इसकी फाइंड फाइंड की साइज को क्या किया गया, बढ़ाया गया, चेंज नहीं किया गया, बढ़ाया गया उसकी साइज। और भी इसमें ऑप्शन आपका दिया है, देखिए इसमें मतलब कि जो भी परिवर्तन आप करेंगे इसमें सब बताएगा, इसमें क्या बताएगा, अंडरलाइन किया गया, ये सब फॉर्मेटेड में आता है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये जो भी ऑप्शन यहाँ पे किया जाएगा वो पूरा का पूरा आपको दिखाएगा। अब इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है अगला ऑप्शन, ये है आपका क्या, रिव्यूइंग पेन। आप इसका रिजल्ट कैसे जानना चाहते हैं, ये जो कमेंट आपको दिखा रहा है ये आप वर्टिकल में देखना चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल में आप देखना चाहते हैं, इसके लिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा। पहला क्या दिया है, वर्टिकल, और सेकेंड अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वर्टिकल आपको दिखाई देगा, जो भी आपने डिलीट किया है, कमेंट किया है, सब दिखाएगा। और वही अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेंगे तो हॉरिजॉन्टल कुछ ऐसे दिखाएगा। क्या बात कर रहे हो, अब चलिए इसमें एक और भी ऑप्शन आपका दिया है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट दिया हुआ। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ, एक्सेप्ट लिखा हुआ, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रिजेक्ट लिखा हुआ। तो इसका प्रयोग क्या होगा, तो जैसे मान के चलिए आपने जो पहले से डेटा यहाँ पे बना करके सेव किया था कुछ ऐसे ही दिखा रहा था ना, आपने ये जो पहले से डेटा बना करके सेव किया था, क्या अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप एक्सेप्ट करिए, या नहीं अच्छा लगेगा तो रिजेक्ट करिए। तो इसके लिए सारा ऑप्शन आपका दिया है, कंट्रोल से सिलेक्शन करिए, और यहाँ पे आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो इस एक्सेप्ट में इतना सारा ऑप्शन आपका दिया है, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ कि एक्सेप्ट एंड मूव टू मतलब कि नेक्स्ट, मतलब कि अगर आप सिंगल सिंगल अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करिएगा कि पहले आप ट्रिक इस पे क्लिक करिएगा, और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइएगा, और यहाँ पे इसको जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो अगले वाले ऑप्शन पे आपको लेके चला जाएगा कि अगला वाला भी आप एक्सेप्ट करिए। बस यहाँ पे क्लिक करिए, एक्सेप्ट पे आइए, और यहाँ पे एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट, फिर यहाँ पे मूव नेक्स्ट पे क्लिक करिए, एक्सेप्ट होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। और रिजेक्ट कर रहा है तो रिजेक्ट का मतलब एक बार सारा इफेक्ट यहाँ से हट जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, बस यहाँ पे पूरे डेटा को कंट्रोल से सिलेक्शन करिए, और यहाँ पे आइए रिजेक्ट वाले ऑप्शन, बस यहाँ पे हम रिजेक्ट डाल कर देते हैं, सारा रिजेक्ट हो गया। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, यही सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ है, यहाँ पे करके चेक कर लीजिए, ये सब एक्सेप्ट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपका दिया है, एक्सेप्ट और दूसरा रिजेक्ट। एक्सेप्ट का मतलब मैंने एक्सेप्ट कर दिया, ये हमको बनाना नहीं आ रहा था, लेकिन हमारे पेज पे कोई चेंजेस हुआ तो हमको अच्छा लग रहा है, इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब समझ में आया, जैसे कि मान के चले कि हमने नॉर्मल टाइपिंग करके चला गया, वो फॉर्मेटिंग हमको नहीं आ रहा था, किसी और स्टूडेंट ने आके वो फॉर्मेटिंग कर दिया, वो फॉर्मेटिंग हमको अच्छा लगा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब समझ में आ रहा है ना। और रिजेक्ट का मतलब सारा हटा देगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा, देखिए यहाँ पे सारा हटा देगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा, अब देखिए कुछ भी नहीं दिखाएगा यहाँ से। और वही एक्सेप्ट करेंगे तो पूरा एक्सेप्ट हो जाएगा। बस आप ये समझिए कि अगर ये फॉर्मेटिंग आपको अच्छा लगेगा आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगेगा रिजेक्ट कर सकते हैं, बस इसका एक प्रयोग। और बाकी ये प्रीवियस और नेक्स्ट अभी मैंने बताया आपको, पर इसमें कैसे काम करेगा, देखिए इसमें भी तो कमेंट ऑप्शन हाईलाइट है ना, इसमें भी काम करेगा। देखिए अगर आपको अगले पे जाना है तो बस यहाँ पे नेक्स्ट करते जाइए, बस यहाँ पे क्लिक करिएगा, नेक्स्ट पे जाना है ऐसे नेक्स्ट, और यहाँ से प्रीवियस पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत। अब चलिए एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका दिया है कंपेयर, तो कंपेयर का मतलब क्या होता है, तुलना करना। जैसे कि दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ता है और एक स्टूडेंट मैथ पढ़ता है, अब दोनों के सब्जेक्टों को कंपेयर करना है कि तुम्हारा मैथमेटिक्स में नंबर कितना है और बायोलॉजी में नंबर कितना है, या फिजिक्स केमिस्ट्री में नंबर आपका कितना है, फिजिक्स केमिस्ट्री नंबर आपका कितना है। तो इसमें अगर हमको कंपेरिजन करना हो दो पेजों में, तो इसके लिए कंपेयर ऑप्शन आपका दिया है, तुलना करना, दो पेजों में तुलना करना। जैसे कि एमएस वर्ड में ही मान के चलिए कि आपने दो पेज बनाया और दोनों पेज को आमने सामने करके कंपेयर करना चाहते, तो देखिए इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले मैं यहां से एक नया पेज ले लेते हूँ, और यहाँ पे आइएगा, सबसे पहले आप रिव्यू टैब में,
और यहाँ पे आइएगा कंपेयर वाले ऑप्शन, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा, एक आपका दिया है कंपेयर और एक आपका दिया है कंबाइन। तो सबसे पहले हम कंपेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। अब यहाँ पे आपको फोल्डर पे क्लिक करना है, वो डेटा आप सिलेक्शन करिए जिससे कि कंपेयर आपको करना है। एक यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा किस नाम से, फुट नोट के नाम से। मैंने फुट नोट के बारे में बताया था, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, बताइए। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ होता है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, मैं दिखा दे रहा हूँ, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ। किसमें मैंने पढ़ाया था, किस टाइप में, रेफरेंस टाइप में दिया था, भूल गए इतना जल्दी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सॉरी अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ दिया, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। और फुटनोट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हर पेज के लास्ट में, हर पेज के बॉटम में कुछ फुटनोट यूज करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, हर पेज के लास्ट में, ये समझिए। और एंड नोट के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर बहुत सारा पेज मैंने ओपन किया तो सबसे लास्ट वाले पेज पे देखने के लिए। तो यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले कहाँ पे, तो यहाँ पे रिव्यू टैब में आते हैं और यहाँ पे आपको आना है कंपेयर वाले ऑप्शन में, और इसमें जो पहला ऑप्शन कंपेयर दिया है बस इसी कंपेयर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा, आप यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको ले लेना है फुटनोट वाला पेज। यहां से मैंने क्या कर दिया, ओपन कर लिया, अभी तो एक ही पेज हमारा सिलेक्शन हुआ है ना, एक पेज और सिलेक्शन होगा तभी तो कंपेयर करेंगे। आप यहाँ पे आइएगा सेकंड वाले डेटा में और यहाँ पे आपको ले लेना है कंप्यूटर, आप यहाँ से ओपन करिए, ओपन दोनों हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, ओके कर देना है, कुछ ऐसे कंपेरिजन आपको दिखाएगा। ऐसे पेज आपका आ जाएगा कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए। और कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम आता है, अगर आप यहाँ पे आते हैं कंपेयर वाले ऑप्शन में, और कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पे मात्र एक ही ऑप्शन दिखाता है, सो बोध करके ना, अगर आप यहाँ पे हाइड वाला ले लेते हैं तो मात्र एक ही ऑप्शन दिखाएगा। कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा, तो अगर आप इसकी इंटरफेस को चेंज करना चाहते हैं तो कंपेयर पे आइएगा और यहाँ पे आइएगा सो सोर्स डॉक्यूमेंट पे, और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। बस यहाँ पे ले सकते हैं सो बोथ, दोनों आपको दिखाएगा, ऐसे कंपेरिजन करके आपको दिखाएगा। और वही इसमें और भी क्या ऑप्शन दिया है कंपेयर, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सो रिवाइज कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा, इसी को रिवाइज करेगा इस साइड। अंतर समझ में आ रहा है ना, तो आपका मेन मकसद क्या है, कंपेयर करना है, तुलना करना है, तो जब दोनों पेज आपने सामने रहेगा तभी आप कंपेयर कर पाएंगे। इसलिए इसमें क्या ऑप्शन आपको सिलेक्शन करना होगा, इसमें आपको लेना होगा सो बोथ, इसमें दोनों पे हमको हमको कंपेयर करना है, कुछ ऐसा इंटरफेस में हो जाएगा। अब इसमें दो पेज आपका ओपन हुआ है, देखिए ये आपका फुटनोट है और ये आपका कंप्यूटर है, देखिए जो मैंने यहाँ पे डेटा लिया था, ये दोनों पेजों में कंपेयर करके आप देख सकते हैं। और सेम ऐसे ही आपका कॉम्बिनेशन वाला भी ऑप्शन होता है, कंबाइन वाला भी ऑप्शन होता है, बस सेम तरीके से आप यहाँ पे रिव्यू टैब में आइए और यहाँ पे आइएगा सबसे पहले कंपेयर वाले ऑप्शन में और यहाँ पे आइएगा कंबाइन में, देखिए वही सेम ऑप्शन आता है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी सेम ही ऑप्शन आपका दिया, इस पे क्लिक करिएगा और यहाँ से भी कोई पेज आप ले लीजिएगा, यहाँ पे दूसरा पेज ले लिया जा रहा है, डॉक्यूमेंट में डेटा होगा शायद, इसमें भी दो पेज का कंपेरिजन करना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एमएस वर्ड डाटा, इस पे क्लिक करेंगे और इसको हम इसको ओपन करा देंगे, फिर इसके बाद से आना आपको पेज नंबर टू पे और यहाँ पर भी आपको दूसरा डेटा लेना है, इसमें से मैंने ले लिया जो है ये वाला, आप यहाँ से बस ओपन करिए और यहाँ से आप ओके कर लीजिए।
डेटा नहीं मिला होगा इसके वजह से दिक्कत है, डेटा मिला होता तो ऐसा नहीं किया। हाँ ये भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, प्रॉपर डेटा नहीं मिला होगा इसके लिए दिक्कत है। देखिए जिस तरीके से कंपेयर था वैसे ही आपका कंबाइन वाला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ हो जाएगा। अब चलिए अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सर पूरे पेज को लॉक करना हो तो कैसे करेंगे, बोलिए अगर पूरे पेज को लॉक करना हो तो कैसे करेंगे। पूरे पेज का लॉक का मतलब कोई भी ऑप्शन आपको इनेबल नहीं दिखेगा, जैसे अभी देखिए अभी सारा इनेबल दिख रहा है ऑप्शन। अब कोई अगर आप यहाँ पे वर्ड भी टाइप करेंगे तो भी मिटाने में आपको आसानी रहेगा, आप आसानी तरीके से इसको मिटा सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा यहाँ पे पासवर्ड लगा दें कि मेरे सिवा इस पेज पे कोई चेंजेस कर ही ना पावे, तो इसके लिए आप आ जाइएगा सबसे पहले रिव्यू टैब में, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, इसी पे जस्ट आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। हम ये चाहते हैं कि सब कोई इसे पढ़ ले ठीक है, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन ना कर पाए, तो इसके लिए आप आइएगा यहाँ पे एलाओ पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पे तीन ऑप्शन चार ऑप्शन मिलेगा इसमें, इसमें आपको लेना है नो चेंजेस रीड ओनली, मतलब कि इसमें कोई चेंजेस ना कर पावे केवल उसको पढ़ पावे। और यहाँ पे आप आइएगा यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा यस स्टार्ट इनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, इसी पे जस्ट क्लिक करना, और यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, पासवर्ड यहाँ पे ट्रिपल आर हम पासवर्ड दे देते हैं, इसी पासवर्ड को कन्फर्म करना है। आप यहाँ से ओके करिए, आप यहाँ पे कैंसिल करिए, क्या कुछ ऑप्शन इनेबल आपको दिख रहा है। अब ये देखिए कुछ भी आप यहाँ पे सिलेक्शन करके अगर आप डिलीट भी करेंगे तो भी डिलीट नहीं होगा, एनीवन कोई भी ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा। अब ऐसा क्वेश्चन बन रहा होगा सर हम इसको सेव करने के बाद अगर करेंगे तो हो जाएगा, तो भी नहीं हो पाएगा। देखिए सबसे पीछे बड़ी बिजी लग रहे हो आप लोग, क्या हुआ। अगर आप इसको सेव भी कर देते हैं, जैसे मैं देखिए मैं आपको सेव करके दिखा दे रहा हूं, तभी भी कोई ऑप्शन आपका इनेबल नहीं होगा, डिसेबल है तो डिसेबल ही रहेगा। रिस्ट्रिक्ट के नाम से मैंने सेव कर दिया। कहां पे मैंने सेव किया, डेस्कटॉप पे ना। अब इसी को हम ओपन करते हैं, देखिए कोई भी ऑप्शन आपको इनेबल नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि जब तक आप पासवर्ड हटाएंगे नहीं तब तक ये ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा। देखिए कुछ ऑप्शन इनेबल है, अब हटाएंगे कैसे पासवर्ड, तो हटाने के लिए भी सिंपल है, सबसे पहले रिव्यू पे आइए, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे आइए, और यहाँ से स्टाफ प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। अब क्या पासवर्ड मैंने दिया था ट्रिपल आर, यहाँ पे दे दीजिए, अब ओके करिए, पासवर्ड हट गया, सारा ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। नहीं इसी पेज पे होगा, इतना आप लोग लाइव में प्रेडिक्ट कर लीजिएगा ठीक है पूरा।